आपको क्या लगता है, और आपको क्या लगता है ओपनिंग रिस्पांस कैसा होगा और पब्लिक को क्या बात इस फिल्म में पसंद आएगी? पब्लिक को मुझे लगता है पोस्टर देखकर, प्रमोशन देखकर वो एक जहन बना लेती है कि ये फिल्म हमें देखनी है और ये नहीं देखनी। उसकी लॉजिक जो है वो मुझे आज तक समझ में नहीं आई, नहीं शायद और लोगों को समझ में आएगी। लॉजिक दिल कहता है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं पब्लिक अपने आप को मानता हूँ तो ये फिल्म मैं देखना चाहता हूँ, नो प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि इसमें बहुत मजा होगा, और चूंकि मैंने फिल्म बनाई है इसलिए मैं बता सकता हूँ कि इसमें बहुत मजा है, और जो लोग भी देखेंगे फिल्म उनको लगेगा कि नहीं यार ये बहुत मजेदार पिक्चर है, पैसा वसूल हुआ और इसको एक बार और देखी जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बार देखने से फिल्में इंसान को तसल्ली हो सकती है। क्या बात है, मतलब रिपीट वैल्यू भी है फिल्म में। यस रजत, व्हाट डू यू से, व्हाट इज इट दैट द पब्लिक विल गेट? कॉमेडी तो है ही। सी डेफिनेटली यू सी वी मेक फिल्म्स, ओके, वी मेक हिंदी फिल्म्स। हिंदी फिल्म्स का पहला तो यूएसपी ये है कि वी मेक इट विद फीलिंग्स एंड नॉट मैथमेटिक्स। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वी मेक इट विद फीलिंग्स, कि हमारी फीलिंग है कि ये फीलिंग है कि ये पिक्चर चलेगी, ये पिक्चर ऐसे बनेगी, बाद में देखेंगे क्या रूप लेती है, किस किस्म की फिल्म बनती है। सो स्पेशली इन अनीस बज्मी काइंड ऑफ फिल्म, यू नो वेयर द यूएसपी इज इट्स अ फॉर्मूला एंटरटेनर, कि एक ये फॉर्मूला फिल्म बनाते हैं, इनका एक वो स्टाइल रहा है कि हर सीन को ये पैकेज करते हैं, हर सीन में कहानी होती है। अनलाइक अदर फिल्म के वेदर देर आर नरेटिव स्क्रीन्स सीन्स एंड डिस्क्रिप्टिव सीन्स, ये एक हर सीन को कहानी बनाते हैं, हर सीन के अच्छे अच्छे आठ आठ वर्जन बनते हैं कि इसको ऐसे ट्रीट करें कि ऐसे ट्रीट करें, और ये बाउंस ऑफ करते हैं और ये प्रोड्यूसर के साथ बैठते हैं, एनालाइज करते हैं कि कैसे किया जाए इसको, कैसे आप इसको और इसको इन्हांस कर सकते हो विथ योर एक्सपर्टीज, यू नो एज अ राइटर डायरेक्टर आई विल कंसीव इट दिस वे। सो नो प्रॉब्लम इज अ फिल्म विच आई स्ट्रांगली बिलीव कि इट इज डेफिनेटली गोइंग टू टेक अ ग्रेट स्टार्ट। The audience is going to step out, okay, and watch this film. There has been a certain slump in the last month which we have seen. Correct. With a couple of films. Correct. And badi film hai. And this is you see, this is all destiny. Films go here, films go there. This keeps happening with every filmmaker. So there's nothing to point a finger at any filmmaker. But not with Anees Bazmi, huh? It doesn't happen. With Anees Bazmi, I strongly feel that he's a filmmaker who puts his heart, soul. He's a sweat equity partner in his every film. Okay, so No Problem is definitely going to start. No Problem is going to have a great weekend. No Problem is going to have a great lifetime. It's a film which will go into, like his other films, into an archive, and which will have great shelf value.